everybody. मैं मधु खन्ना नवयुग स्कूल मोती बाग में हूँ. मैं आई एम वर्किंग एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर और मैंने 1981 में ज्वाइन किया था. आई वॉज टू यंग. बस मेरा एक पैशन है स्पोर्ट्स और अपने आप को फिट रखना और दूसरों को जो मेरे अंदर जितना भी मुझे आता है ये मेरी फिजिकल नॉलेज ताकि मैं बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकूँ. तो मैं तब से बच्चों को फिजिकल एजुकेशन पे उनको फिट रहने पे बहुत स्ट्रेस करती हूँ. यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं मेरे स्कूल में जो बच्चे रोज़ करते हैं और यहाँ पर ज़ीरो पीरियड का एक छोटी सी फैसिलिटी है. यहाँ पर बच्चे जब ज़ीरो पीरियड में करते हैं तो एक समा बन जाता है. यहाँ पर कम से कम 70-80 बच्चा होता है जो सुबह यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है. और ये देखिए ये मेरे वॉलीबॉल के बच्चे हैं. कम से कम मेरे पास इस समय 10 टीम्स हैं जिसमें 6 तो जोन इंटर जोनल की हैं जिसमें 3 बॉयज़ की और 3 गर्ल्स की हैं. और CBSE खेलते हैं बच्चे. गर्ल्स और बॉयज़ की अलग टीमें हैं. कल से दिल्ली स्टेट होने वाला है. हर साल पिछले 20 साल से आई थिंक बच्चे कहीं ना कहीं पोजीशन लेके आ रहे हैं और इनको स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट दे रही है. जब बच्चों की फर्स्ट पोजीशन इंटर जोनल में आई थी तो बच्चों को 5,000 रुपये इनके अकाउंट में अपने आप से आ गए. और आप इनको ये जरा ये कुछ बच्चे तो मेरी बैकबोन है इस टीम के. देखिए ये इन्होंने बनाई और ये अटैक मारा. इट वॉज़ अ गेम. जब ये खेलते हैं तो मुझे लगता है मुझे और जोश आ रहा है और मेरे गूज़बम्स आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके काम करना, इनके साथ रहना, इनको खिलाना, इनको कुछ दिलाना. और जब दिल्ली स्टेट में इनको कैश भी बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है. इंटर जोनल में होता है तो 12 बच्चे थे तो हमारा स्कूल आया था प्राइज. अगर आप मेरे साथ चले, ये अमरिंदर है, ये देखिए ये शॉर्ट हाफर, ये डिफेंस करके ड्रॉप डाला, ये लिफ्टिंग और ये अटैक शॉर्ट हाफ. वेरी नाइस, वेरी वेल डन. तो ये एक्सपोजर मैं बच्चों को दे पा रही हूँ, मुझे बड़ी खुश. गर्ल्स दे आर डूइंग वेल. लास्ट टाइम इनकी CBSE में इनकी 3rd पोजीशन थी, एक बार 2nd थी और लास्ट ईयर इनकी इंटर जोनल में 1st पोजीशन थी. इनको भी 60,000 रुपया मिला. इनके अकाउंट में, सबके अकाउंट में पैसा आ चुका है. तो आई एम सो हैप्पी. इनको 2100 रुपये कैश मिला उसी समय और 5,000 इनके अकाउंट में आया. तो मुझे लगता है अगर मैं बच्चों को कुछ करा पा रही, कुछ दे पा रही हूँ तो यहाँ गर्ल्स का गेम देखते हैं. आइए. वेरी गुड सुकन्या. तो चलिए गेम कंटिन्यू करते हैं. खड़ी करो. ये देखो ये लिफ्टर बॉल उठाएगा. ये जानकी है जिसने अटैक मारा और यहाँ कोई भी नहीं था जिसने बॉल उठानी थी. सिंपल. तो चलते हैं. खेलते रहिए बच्चों, खेलते रहिए. पूजा आप सर्विस करिए. ये मेरी टीम की कैप्टन है. दिल्ली की बेस्ट प्लेयर बन चुकी है. तो बहुत एक्सपोजर है, बहुत नेशनल खेल चुकी है. हाल ही में पंजाब वो कराई है ये लड़की और कीर्ति. ये दो लड़कियां पंजाब वो के आई हैं. इनका हर साल सिलेक्शन हो रहा है दिल्ली स्टेट में. तो आई एम सो हैप्पी कि बच्चे दिल्ली से बाहर भी खेलने जा रहे हैं. एक्सपोजर बहुत है बच्चों को. दैट्स ग्रेट. चलो ये सर्विस पूजा की थी. ये वेरी गुड. ये जानकी ने लो लो लो. ये डिफेंस है. ये बॉल बनी है. सुकन्या आप या लीजिए बच्चे या आप कह दो. चलिए सिंपल गेम खेलो. सिंपल गेम है बिल्कुल. यस 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 यस. वेरी गुड. खड़ी करो. बहुत बढ़िया. चलिए लो पूजा आराम से लो. ड्रॉप है ये. शाबाश. बहुत बढ़िया. खड़ी करो बेटे. आपको सीधी बॉल खड़ी करनी है और आप या तो क्रॉस करवाइए ना. ठीक है. चलिए ये गर्ल्स की टीम है. ये तो खेलते रहेंगे. थोड़ा सा बैडमिंटन की तरफ चलते हैं. बहुत बढ़िया बढ़िया. वेरी गुड वेरी गुड. लो बहुत बढ़िया. लो यस यस. आइए बैडमिंटन कोर्ट की तरफ चलते हैं. इनका खेल तो चलता रहेगा और चलता रहने दीजिए. कल से इनके दिल्ली स्टेट शुरू हो रहे हैं तो कल ये मैच खेलने जाएंगे. तो चलिए चलते हैं. आइए आइए आइए. चलिए अब बैडमिंटन कोर्ट की तरफ चलते हैं. गर्ल्स कैरी ऑन गेम खेलते रहिए. बॉयज कैरी ऑन. बैडमिंटन में भी बच्चे एक्सेल कर रहे हैं लेकिन स्टिल वी नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस. एक्चुअली अभी CBSE खेल के आए तो क्वार्टर फाइनल तक बच्चे पहुँचे थे. सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाए. इंटर जोनल में अभी होना है तो वहाँ जाएंगे. जोन में अपनी 3rd प्लेस लेकर आए हैं. तो चलते हैं. हमारे जोन में अराउंड 40 स्कूल्स हैं जिसमें हम पोजीशन लेकर आते हैं. और अभी मैं हाल ही में बताऊँ, हमारे अभी अभी जोनल्स ख़त्म हुए हैं. हमारी 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और 5 टीमें हमारी फर्स्ट हैं. तो इसके लिए मेरे को लगा वाह वी हैव नेल्ड इट. तो इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी कि हमने जोन में कभी भी
फर्स्ट पोजीशन नहीं छोड़ी. आज बहुत साल हो गए, आई थिंक 40 स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आना मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है. तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन आती है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस, बच्चों का मोटिवेशन इतना एक्सेल हो जाता है, उनको ये लगता है कि यस वी कैन डू. और जब से मैं आज से करीब 19 साल पहले या 20 साल पहले फर्स्ट CBSE खेला था, वहाँ गलती से कह लो हमारी बॉयज़ में सेकेंड पोजिशन और गर्ल्स में थर्ड पोजिशन आ गई थी पहली बार. ये अराउंड 19 या 20 ईयर्स पहले की बात है और उसके बाद हमने मुड़ के नहीं देखा. वो दिन था और आज का दिन है. मतलब मेरा इतना पैशन है, मैडनेस भी कह सकते हो, कि जब तक स्पोर्ट्स है तो मैं हूँ मुझे लगता है, और जब तक मैं हूँ तो ये बच्चे हैं. अगर मैं गई आफ्टर माई रिटायरमेंट, आई डोंट नो वेदर दे विल कंटिन्यू और नॉट, बट आई स्टिल वॉन्ट देम टू कंटिन्यू. अगर मैं फिर भी अपनी मेरी जितनी भी सेवाएं होंगी मैं देती रहूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मैं बहुत फिजिकली फिट हूँ, तो जो मेरे अंदर एनर्जी है मैं बच्चों में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ. तो आइए बैडमिंटन की तरफ चलते हैं, देखते हैं. ये मेरी टीम है, ये जोनल खेल के आए हैं, इंटर जोनल खेल के आए हैं. ये आने वाली पीढ़ी है, ये जो छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये आने वाले सब जूनियर के बच्चे हैं, छठी सातवीं के बच्चे हैं, एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल. ये बच्चा इतना प्यारा खेलता है, ये आगे जाके बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है. ये कुणाल है, ये जिशान है, वो आदित्य है, ये दीपांशु है. दीपांशु इज अ कैप्टन ऑफ द टीम, ही प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छा खेलते हैं. और मॉर्निंग में ये अपने आप वेरी डिसिप्लिन तरीके से रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते रहते हैं. तो ये मेरे स्कूल में ये एक्टिविटीज़ हैं. एथलेटिक्स भी कभी होता था, अभी बहुत कम हो गया क्योंकि जगह नहीं है मेरे स्कूल में. अगर जगह हो तो मुझे लगता है मैं एथलेटिक्स में भी इन्हें एक्सपोजर दे सकती हूँ. तो अब जगह नहीं है तो आई मीन वी आर रियली लैकिंग द प्लेस, स्पेस नहीं है. तो मैंने जैसे भी तैसे ये तीन कोर्ट्स तैयार कर रखे हैं, एक उधर गर्ल्स का, इधर बॉयज़ का, एक दूसरी तरफ है वहाँ पे छोटे बच्चे भी खेलते हैं. वो नेट नीचे रखा हुआ है. एक मिनी की टीम होती है जो सब जूनियर होती है, वो कल मैंने ऐसे बताया दिल्ली स्टेट खेलने जा रहे हैं, वो प्री टीम है, बहुत छोटे बच्चे हैं, वो 6th, 7th, 8th के बच्चे हैं उसमें. तो उनका दिल्ली स्टेट है. लास्ट टाइम, लास्ट ईयर भी वो पूरी दिल्ली में सेकंड प्लेस लेकर आए थे, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी. तो ये बहुत बच्चों के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट थी. और CBSE में मैंने जैसे बताया गर्ल्स की, तो मतलब इस समय बहुत क्रीम टीम है. इस समय ये जो टीम है ना, मेरी बड़ी क्रीम टीम है इस समय. इसमें अभी ना आपको छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं इसके अंदर, इसलिए आपको शायद ये छठी सातवीं के बच्चे भी मिक्स होकर खेल रहे हैं क्योंकि इनका पीटी पीरियड है. अदरवाइज एक वो वाले बच्चे होते हैं ना जो टीम वाले बच्चे होते हैं, तो एक नज़ारा होता है गेम देखने का. मतलब देखने वाला भी खड़ा ही रह जाता है कि वाओ व्हाट अ गेम. सो आई वांट देम टू प्ले 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 एंड प्ले. तो लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई रियली वांट टू थैंक NDMC. दे हैव गिवन मी एक्सपोजर टू वर्क, यू नो, दे हैव गिवन मी स्पेस टू वर्क. आई रियली वॉन्ट टू से थैंक यू टू NDMC अथॉरिटीज़. उन्होंने हमेशा बोला है पैसे की कमी नहीं है, आप बच्चों को चीज़ें दिलवाइए, खिलाइए, इस लेवल पर पहुँचाइए. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. यू हैव रियली गिवन एक्सपोजर टू माई स्कूल. थैंक यू सो मच.